So, good morning, sir. Again, we will continue our lecture from thereafter. तो हमने यहाँ तक बेटा 2s के सारे ग्राफ कवर कर लिए थे. नाउ अगर हम मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक 2p के ग्राफ हम कवर करेंगे, तो मेरा सबसे निवेदन यही होगा कि आप उस रिएक्शन को याद करने की कोशिश के बजाय आप ग्राफ के पैटर्न को याद करिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा. ठीक है? तो नेक्स्ट आवर कॉन्सेप्ट इज 2p का. अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, ठीक है, 2p के ग्राफ की इक्वेशन आपको पता ही है. 2p का ग्राफ का अगेन रेडियल फंक्शन ऑफ r वर्सेस r का ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा. अगेन r स्क्वायर r का ग्राफ भी अगेन कैसा रहेगा आपका? कुछ इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से रहेगा. नाउ अगर मैं कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसके ग्राफ का आर पार ऑफ 2p का जो मेरे इक्वेशन बना था वो आपको याद होगा, तो मैंने लिखा था 1 बाय 2 रूट 6 a0 का पावर 3 बाय 2 सिग्मा इनटू हाँ e रेस टू माइनस सिग्मा बाय 2. तो ये एक्चुअली इक्वेशन था 2p का ग्राफ का. अगर मैं गौर से आप देखोगे, अगर आप बात करूँ इस तरीके से 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर मतलब ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी था 4 पाई आर स्क्वायर रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर के ग्राफ की बात करूँ, तो एक्चुअल में ग्राफ कैसा रहेगा? ये वाला ग्राफ रहेगा. तो आप समझने की कोशिश करो, ये न्यूक्लियस है. क्यों? अगर देखो किस पॉइंट पे मुझे रेडियल नॉट जीरो मिल रहा है, तो अगर क्योंकि सिग्मा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, याद करिए आपको जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, इसका मतलब सिग्मा जो होगा मेरा यहाँ पे ये आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सिग्मा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. तो इसका मतलब अगर आर की वैल्यू जीरो तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा उस केस में. तो अगेन ये वैल्यू यहाँ से चालू होकर यहाँ पे विदाउट कटिंग एनी पॉइंट, इसका मतलब देयर आर नो रेडियल नोड इन 2p ऑर्बिटल. देयर आर नो रेडियल नोड इन 2p ऑर्बिटल. ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, आपको से भी इक्वेशन से भी चेक कर सकते हो, क्योंकि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर. आर की वैल्यू जीरो रखने पर इसका मतलब ये वैल्यू आ रही है, मतलब ये सिर्फ इसी वैल्यू पे ही जीरो रहेगा, बाकी हर वैल्यू पे आर हर कुछ ना कुछ आर के वैल्यू पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी. इट मीन्स ये ग्राफ कुछ पहाड़ी जैसा रहेगा और तीनों ग्राफ इसमें क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. तो यहाँ तक मेरे बच्चों को होप सो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब हम थोड़ा हमारा जो बचा था 3s 3p और 3d के ग्राफ भी हम कवर कर लेंगे, हालांकि वो बहुत अच्छे एडवांस लेवल के हैं, तो नेट वाले बच्चों को ज्यादा कवर करने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि ग्राफ का पैटर्न कैसा, दैट्स इट. अगर आप वो पैटर्न याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है. ट्रिक्स वगैरह मैंने आपको बताई थी कि आपको करना किस तरीके से. ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूँ 3s की, 3s की बात करूँ तो 3s का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा. आपको याद होगा तो आप इक्वेशन से मैनेज करिए. देखिए 3s में कितने रेडियल नोड होंगे? 2 रेडियल नोड होंगे. इसका मतलब ये ग्राफ 2 पॉइंट पे कट करते हुए कुछ इस तरीके से जाएगा, 2 पॉइंट पे कट करते हुए कुछ इस तरीके से जाएगा. ठीक है, अगेन ये प्लस माइनस प्लस इस तरीके से ग्राफ रहेगा बेटा. अब ये कौन सा ग्राफ है? आर वर्सेस आर का, आर वर्सेस आर का रेडियल ग्राफ है. ठीक है, अगर मैं इसी की बात करूं यहाँ पे आर स्क्वायर आर वर्सेस आर, 3s में 2 रेडियल नोड है, तो ओवरऑल आपको एक जनरल आइडिया हो गया कि दोनों 2 पॉइंट पे भैया ये टच करते हुए निकलेगा. ग्राफ का पॉइंट यहीं से शुरू होगा. अगर आपको एक्सप्रेशन देखना होगा तो एक्सप्रेशन आपको शायद मैंने लिखाया था 3s का, देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा था 3s में 1 बाय 9 रूट 3 a0 का पावर 3 बाय 2 a0 का, मतलब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट होते हैं, इसका अगर 2 रूट होते हैं इसका मतलब ये होगा कि 2 पॉइंट को टच करते हुए जाएगा. अगर स्क्वायर मतलब इसी को चीज को मैं क्या कर देता हूँ, पॉजिटिव कर देता हूँ, तो अगेन ग्राफ ऐसा रहेगा. ठीक है, ऐसा रह के एक ऐसा रहेगा और एक ऐसा रह के कटता है, मतलब ये चीज ये ऊपर चला जाएगा और ये इससे छोटा हाइट में रहेगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आवर ग्राफ विल बी 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब प्रोबेबिलिटी, दिस इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी याद है,
और दिस इज ओनली प्रोबेबिलिटी। तो अगर इसकी बात करूं मैं, तो ये अगेन पहाड़ी वाला ग्राफ रहेगा बेटा। पहला एक ऐसा रहेगा, एक नोड, फिर दूसरा नोड, जैसे नोड खत्म, ये पहला नोड होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर तीसरा नोड इस तरीके से होगा। तो आप ऐसा भी ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा, आप ऐसा ऑब्जर्व करो तो, क्योंकि ये एक मैक्सिमम पॉइंट है, तो यहाँ पे आपको आर मैक्सिमम मिलेगा। इस पॉइंट पे आर मैक्सिमम की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो दिस इज फॉर योर 3S ग्राफ। नाउ अगर मैं 3P ग्राफ की बात करूं, तो अगेन 3P ग्राफ में कैसा होगा, तीन 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 वाले रेडियल रेडियल फंक्शन वर्सेस आर का ग्राफ जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से ग्राफ रहेगा। ये ग्राफ रहेगा आर वर्सेस आर का, ओके। नाउ सेकंड ग्राफ विल बी आर स्क्वायर आर वर्सेस आर, आर स्क्वायर आर वर्सेस आर। तो अगेन ये ग्राफ कैसा रहेगा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा, आर वर्सेस आर का, ठीक है। नाउ ये ग्राफ आप उतार लीजिएगा, मेरे पास तो जगह नहीं है तो आप उतारते हुए चलिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ग्राफ विल बी आर स्क्वायर 4π आर स्क्वायर वर्सेस आर का। तो अगेन जो चीजें हैं वो वैसे क्या हो जाएगी, तो दो पहाड़ी वाले ग्राफ मिलेंगे, एक नोड ही मिलेगा आपको यहाँ पे। तो ये इक्वेशन आप जानते भी होंगे, तो मैं लिखा नहीं रहा, तो इसमें फर्दर आप इतना इसको चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है 3D ग्राफ की बात करता हूँ। देखो इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इनमें, 3D ग्राफ एक मात्र ऐसा ग्राफ है ना बेटा जिसमें तीनों ग्राफ उसके क्या होते हैं, सेम होते हैं, मतलब देयर इज नो चेंज। तो एकमात्र आपको 3D ग्राफ ऐसा मिलेगा, 3D का, जिसका तीनों ग्राफ कैसा रहता है, सेम रहता है, चाहे वो रेडियल फंक्शन वर्सेस आर का हो, चाहे वो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर का हो, या आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी का हो, कोई वो सिर्फ वो प्रोबेबिलिटी का, इसका तीनों ग्राफ का नेचर कैसा रहता है, सेम, तीनों ग्राफ का नेचर कैसा रहता है, ये सेम रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी जेई वगैरह में भी क्वेश्चन होता है कि अमाउंट ऑफ विच ऑर्बिटल हैव द सेम ग्राफ, अमाउंट ऑफ विच ऑर्बिटल हैव द सेम ग्राफ। तो सिर्फ 3D ग्राफ ऐसा रहता है जिसका तीनों ग्राफ क्या रहता है, नेचर सेम रहता है, ठीक है। चलो अब हम जो बात करने वाले हैं इसके ऊपर के बढ़ने बड़े बढ़ के हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफिकल पॉइंट हमारा खत्म हो गया। अब यहां से देखो मेन हमारा क्वांटम नंबर चालू होता है, तो यहां से मैं आपको समझा देता हूं फिर से। देखो साई को जो हमने रिप्रेजेंट किया था आर थीटा और फाई में, आर थीटा फाई, तो एक रेडियल फंक्शन था, दूसरा कौन सा था, एंगुलर फंक्शन था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था आर जो होता है वो सिर्फ एन और एल पे डिपेंड करता है, याद है आपको मैंने एन एल एम तीन वैल्यू बताई थी, होती है तीन वैल्यू, आपको याद होगा श्रोडिंगर के इक्वेशन में मैंने आपको बताया था तीन तीन वैल्यू होते हैं, एन एल एम एम, एन एल एंड एम, जो हमारे क्वांटम नंबर्स होते हैं, जो मैं डिटेल में अभी आपको लेकर जा रहा हूँ। तो बस इसका मैं थोड़ा सा हाईलाइट दे रहा हूँ, जब और स्टडी किया गया तो डिपेंड ये क्या कि रेडियल फंक्शन हो जाता है वो सिर्फ एन और एल पे डिपेंड करता है, फाई फंक्शन जो होता है वो सिर्फ एल और एम पे डिपेंड करता है, और सॉरी थीटा फंक्शन एल और एम पे डिपेंड करता है, फाई फंक्शन सिर्फ एम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा स्टडी कर किया गया, ये ऐसा मत सोचना कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ, नहीं, ये ऑलरेडी स्टडीड है, एक्सपेरिमेंटल है, सब प्रूफ किया हुआ है, सब रिसर्च किया हुआ है, तब इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि तीन तीन फंक्शन है, तीन फंक्शन के तीन नंबर कैसे कैसे डिपेंड करते हैं, ओके। इसी को बोलते हैं दीस नंबर आर कॉल्ड एज क्वांटम नंबर, दिस नंबर आर कॉल्ड एज क्वांटम नंबर। अब हम एक एक करके इन तीनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट। तो पहला है एन, एन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आखिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या कहता है, समझो बात को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी शेल को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एनर्जी
शेल। अब ऑर्बिट का वर्ड यूज नहीं करना बेटा, ऑर्बिट वर्ड गलत हो जाएगा, ऑर्बिट वर्ड पुराना कॉन्सेप्ट हो गया जो गलत भी है। अब हम सिर्फ शेल, शेल एनर्जी, शेल के अंदर कौन सा होता है, ऑर्बिट, ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट का वर्ड गलत हो जाएगा। ऑर्बिटल तो भैया लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। एनर्जी शेल होता है, एनर्जी शेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इट रिप्रेजेंट एनर्जी सेल। तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, 1, 2, 3, ... इनफाइनाइट तक ये वैल्यू होती है, ठीक है। आपको याद भी होगा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस। तो ये n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, ये हर क्या होता है, एनर्जी शेल को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी सेल। इट आल्सो रिप्रेजेंट, इट आल्सो रिप्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। एक्चुअली न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी रिप्रेजेंट करता है कि n इक्वल टू 3 का इतना डिस्टेंस, n इक्वल टू 2 का इतना डिस्टेंस, n इक्वल टू 1 का डिस्टेंस है, और n इक्वल टू और क्या रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी शेल रिप्रेजेंट करता है। अब देखो आप बोलोगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, NLM क्या जरूरत है, सिंपल सा फंडा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। अगर आपको अपने घर का, अगर आपको आपके घर का एड्रेस रिप्रेजेंट करना है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप गूगल मैप से जा, ऐसे गूगल मैप का आपने ओवरव्यू देखा, आप पहले स्क्रॉल करते जाते हो तो आपको घर दिखता है, लेकिन आप ऊपर जाते जाते हो तो पहले आपको इंडिया दिखेगा। याद करो थोड़ा, अगर तो पहले आप इंडिया देखोगे और थोड़ा जूम करोगे आप अपने स्टेट में जाओगे, ठीक है, और जूम करोगे तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, और जूम करोगे तो आप सिटी में जाओगे, और जूम करोगे तो आप अपने मोहल्ले में जाओगे, मोहल्ला नंबर होता है ना सिटी में, अपना कॉलोनी में जाओगे, और जूम करोगे तो आप आपका हाउस नंबर। तो आप बेसिकली अपना एड्रेस कैसे रिप्रेजेंट करते हो, हाउस नंबर, कॉलोनी, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री। उसी तरीके से क्या होता है, ये तीन क्वांटम नंबर मुझे एग्जैक्ट एड्रेस देते हैं किसी इलेक्ट्रॉन का, कि आखिर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहाँ पे है। सेम वे में अगर आप समझ लो n क्या रिप्रेजेंट, n मेरा रिप्रेजेंट करता है कंट्री, स्टेट, क्या रिप्रेजेंट करता है कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक बात समझ में, तो n रिप्रेजेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया। It also give energy of electron. It also give idea about energy of electron. ठीक है? Now, second quantum number हमारा जो है वो आता है L. उसको हम क्या बोलते हैं L, जिसका नाम है azimuthal. azimuthal quantum number, azimuthal quantum number. अब L देखो, ये जो है azimuthal quantum number का सबसे important खास बात है, ये एक orbital का shape का idea देता है। सबसे पहला जानकारी, it gives idea about the orbital की electron आखिर किस orbital में present है, किस orbital में वो रैंडम रैपिड रैंडम मोशन कर रहा है। तो आपको याद होगा हर ऑर्बिटल का मैं स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट आपको आइडिया तो दे दिया भैया, एस का स्फेरिकल होता है, पी का डंबल होता है, डी का डबल डंबल होता है, तो ये सब चीजें हमने ऑलरेडी देखी हुई है, बट उसी को बता रहा हूँ। तो एल बेसिकली और मोर इम्पोर्टेंट बात, एल क्या सिग्निफाई करता है, एल सबसे ज्यादा सिग्निफाई, जो 2s मैंने आपको याद है 1p, 2s में क्या, 2 में क्या होता है 2s, 2p, 3s में क्या होता है 3s, 3p, 3d, तो बेसिकली वो उनका एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंट करता है। तो मैं लिख देता हूं एल रिप्रेजेंट, तो क्या पहले तो क्या करता है, एल रिप्रेजेंट ऑर्बिटल, किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, इट गिव्स द टोटल एंगुलर, इट गिव्स द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। ये किसी इलेक्ट्रॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम बताता है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब एक्चुअली ये फॉर्मूला आप याद रखिए, जैसे डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ऑर्बिटल एंगुलर
मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन, एल इंटू एल प्लस वन, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटू एच अपॉन टू पाई, इंटू एच अपॉन टू पाई, ये मेरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। कभी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो यू जस्ट फोकस ऑन ओनली फॉर्मूला, ठीक है। अब समझो बात को, इंपॉर्टेंट तीसरी बात क्या है, L की वैल्यू जो है 0 टू n माइनस 1 पे बिलोंग करती है, कहां से कहां करती है, 0 से n माइनस 1 पे बिलोंग करती है। थोड़ा बात समझना ध्यान से, ठीक है। नाउ अगर n इक्वल टू 1 है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, n माइनस 1 माइनस 1 0, मतलब L की वैल्यू सिर्फ एक n की वैल्यू पे एक ही L की वैल्यू मिल रही है, मतलब इट विल गिव वन ओरिएंटेशन ओनली। कितना ओरिएंटेशन मिलेगा, एक ही ओरिएंटेशन मिलेगा, जिसको हम एस ऑर्बिटल भी कहते हैं। याद रखिएगा कि एल इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, एस ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है। एन इक्वल टू 2 पे एल की दो वैल्यू मिलेगी, 0 और 2 माइनस 1 1, मतलब 0 भी मिलेगा और 1 भी मिलेगा, मतलब एस और P, तो L equal to 0 S हो गया और L equal to 1 क्या हो गया, मेरा P हो गया। मतलब अब आपको दो ओरिएंटेशन, अब आपको क्या मिलेगा, दो ऑर्बिटल मिलेगा, दो L equal to 2 पे, याद है आपको मेरा एग्जांपल बताया, सेकंड फ्लोर पे दो क्लासरूम है, थर्ड फ्लोर पे तीन क्लासरूम है, ठीक है, लेकिन तीनों अलग अलग शेप के। तो फर्स्ट फ्लोर का जो ग्राउंड फ्लोर का जो पहला क्लास है वो सेकंड फ्लोर के फर्स्ट फ्लोर का जो पहला क्लास है वो सेकंड फ्लोर के पहले क्लास का सेम जैसा है। और n इक्वल टू 3 पे अगर आप गौर करोगे तो l इक्वल टू 0 1 2, मतलब s p d, तो l इक्वल टू 0 अगेन s होता है, l इक्वल टू 1 p होता है, l इक्वल टू 2 d होता है। तो ये वैल्यू याद रखिए, l 0 s को रिप्रेजेंट करता है, l इक्वल टू 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, p को रिप्रेजेंट करता है, और L equal to 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, D को रिप्रेजेंट करता है। Am I clear to everyone? Okay, very good. तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई, L equal to 0 S orbital होता है, L equal to 1 P orbital होता है, और L equal to 2 D orbital होता है। अब देखो, पहला फर्स्ट फ्लोर का पहला क्लासरूम सेकंड फ्लोर के पहले क्लासरूम के जैसा, जो मैंने आपको बताया था, सेकंड फ्लोर का दूसरा क्लासरूम थर्ड फ्लोर के दूसरे क्लासरूम के जैसा P orbital। तो वैसे ही n इक्वल टू 4 की अगर मैं बात करूं तो l की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 1 2 3, मतलब s p d और f। तो ये अगेन हो गया l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 2 और l इक्वल टू 3। तो इन वैल्यू पे ये सब चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तो यहां तक आपको बात समझ में, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जनरली इनके ऊपर जो कि बहुत आसान होता है, देख लीजिए आप। याद तक आपको क्लियर हो गया होगा बेटा कि ये सब चीजें याद रखना, 0 l 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, l 1 p रिप्रेजेंट करता है, l 2 d रिप्रेजेंट करता है, ये सब छोटी-छोटी बातें। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ लेट्स से 2s 3p 4d, इनका हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना था। 2s का क्या हो जाएगा बेटा, 2s का फॉर्मूला क्या होता है, l s के लिए क्या होता है, 0 होता है, तो इसका मतलब ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बोलिए, 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ सेकंड की बात करूं मैं, 3p में l की वैल्यू क्या होती है, 3p में l की वैल्यू p, 3p में l की वैल्यू 1 होती है, मतलब p का l का वैल्यू 1, तो 1 * 1 √2, तो h अपॉन एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, √2 इनटू h अपॉन 2 पाई, दिस और दिस कैंसिल, मतलब h अपॉन √2 पाई, ठीक है। नाउ 4d का बात करूं, 4d में d है तो d की l की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, तो 2 इनटू 3 6 √6, तो एंगुलर मोमेंटम आपके लिए क्या हो जाएगा, √6 h अपॉन 2 पाई। तो इस तरीके से आप किसी का भी एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो, बट आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि l equal to 0 क्या होता है, l equal to 1 क्या होता है, l equal to 2 कौन क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नाउ अगर मैं कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम,
ठीक है। ओके जस्ट वेट अ मिनट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ओके एक बात और, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक पॉइंट और है यहाँ पे, ये भी क्या होता है मेरा अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन बी एम, दिस इज ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, दिस इज ऑर्बिटल सॉरी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऑर्बिट न सॉरी इट्स ऑर्बिट सॉरी माय मिस्टेक, इट्स ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दिस इज ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, तो देयर इज अ डिफरेंस। तो ये बीएम क्या होता है, बीएम होता है 1 BM या बोर मैग्नेट्रॉन, 1 बोर मैग्नेट्रॉन, इसकी भी अपनी एक वैल्यू होती है मैग्नेट्रॉन, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो जिसकी वैल्यू जो होती है अप्रोक्स में EH/4πmc, EH/4πmc जिसको हम बोलते हैं 9.72×10⁻¹⁴ जूल। तो आप इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सॉरी ये ऑर्बिटल ही होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी मेरे को थोड़ा, ठीक है। तो याद रखिएगा बोर मैग्नेट्रॉन में भी हम इन चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, देखो हमारा 2 क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट हो गया, फिर से मैं रिप्रेजेंट कर, एन क्या रिप्रेजेंट करता है प्यारे बच्चों जल्दी बोलो, हाँ एन मुझे रिप्रेजेंट करता है एनर्जी शेल को रिप्रेजेंट करता है। अब हम ऑर्बिट की जिक्र कभी नहीं करेंगे क्योंकि वो गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऑर्बिट 2D टू डायमेंशनली होता है, लेकिन हम यहाँ पे चर्चा किस तरह कर रहे हैं थ्री डायमेंशनली कर रहे हैं, ठीक है। नाउ ठीक है, नाउ थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, यहां एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो बाकी चीजें समझ, यही सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट तो चारों ही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये, बट ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट इंक्लूड होता है। आपको याद होगा अभी तक मैंने नोड्स बताए थे, ठीक है। नोड क्या होता है, नोड होता है भैया जिस इलाके में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो, जिस इलाके में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, मतलब द एरिया अंडर द विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो इज नथिंग बट नोड। और नोड दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेरा रेडियल नोड होता है, एक होता है मेरा एंगुलर नोड होता है। तो रेडियल नोड का मैंने आपको बहुत सारा आइडिया दे दिया था कि भैया 1s में कुछ नहीं होता, 2s में एक होता है, 3s में दो होते हैं, ठीक है, 2p में भी एक होता है। तो इस तरीके से हम आइडिया जस्ट मैंने कहा ग्राफिकली का आइडिया दिया था, अब हम थोड़ा एंगुलर नोड पे भी डिस्कशन करेंगे, वो इसके अंदर में आ जाता है, ठीक है। तो पहली बात क्या होती है, पहली बात ये होता है कि m की जो वैल्यू होती है माइनस l टू प्लस l रहती है, माइनस बाय जीरो, मतलब आपको जीरो भी इंक्लूड करना है उसमें, आई बात समझ में। और दूसरा क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन, रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। देखो मैं इससे पहला ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन पर बोल रहा था ना, आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगी कि आखिर मैं क्यों ओरिएंटेशन बोल रहा था, समझो बात को। अगर एल इक्वल टू जीरो है, मतलब वो क्या है एस, एल जीरो कौन रिप्रेजेंट करता है, एस रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जीरो टू प्लस जीरो मतलब जीरो ही होगी, नो डाउट, ठीक है। इसका मतलब इसका एक ही ओरिएंटेशन होगा, मतलब स्फेयर ही रहेगा वो, चाहे ऐसे घूमे मतलब ओरिएंटेशन उसका क्या रहेगा, ओवरऑल एक ही रहेगा, ठीक है। इसलिए इसलिए याद करिए एस, इसलिए एम इक्वल टू जीरो मतलब स्फेरिकल शेप इस तरीके से आ रहा था जिसमें ओरिएंटेशन हमेशा मेरा एक ही माना जा रहा था, ठीक है। अगर l इक्वल टू 1 की बात करूं तो ये p रिप्रेजेंट करता है, तो माइनस 1 से प्लस 1, तो m की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 0 और प्लस 1 होगी, माइनस 1 0 और प्लस 1। अब ये हर एक ओरिएंटेशन अलग अलग होता है, कैसे, मान लो अगर ये x एक्सिस में है
तो ये कुछ ऐसा रहेगा ओरिएंटेशन इसका, कैसा रहेगा ऐसा, और इसको हम पी एक्स का नाम देंगे, ठीक है। अगर ये वाई है, अगर ये वाई है तो ये वाई एक्सिस में इस तरीके से रोटेट करेगा, ठीक है। और अगर ये जेड है, और अगर ये जेड है तो ये जेड में ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जेड में ये ऐसे रिप्रेजेंट, ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आए। तो बेसिकली पी ऑर्बिटल में तीन ओरिएंटेशन में घूम सकता है। देखो स्फेयर का आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहीं पे घूमो वो तो एक ही जैसा ओरिएंटेशन करता है, बट डंबल शेप में क्या होता है जब एल इक्वल टू वन आती है, बात समझ में थोड़ी देर, कि जब वन आती है तो तीन तरीके से ओरिएंटेशन करता है, तीनों अलग अलग है। अगर एक्स में करिए तो ये पी एक्स हो जाएगा, वाई में किया तो पी वाई, इसको हम क्या बोलेंगे फिर पी वाई हो जाएगा ये, और जेड में किया तो ये पी जेड हो जाएगा। आई बात समझ में, आया समझ में सबको, क्लियर? ओके, नाउ अगर मैं बात करूं एल इक्वल टू टू पे तो ये डी ऑर्बिटल हो जाएगा। डी ऑर्बिटल में कहां से कहां एम की वैल्यू रहेगी, माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू, तो मतलब यहाँ पांच टाइप के ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ तीन टाइप का ऑर्बिटल बना, एक एक्स वाला, एक वाई वाला और एक जेड वाला। अगर ऑरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा अलोंग द एक्स एक्सिस है तो मतलब पी एक्स है, ऑरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर वाई एक्सिस है तो पी वाई है, और ऑरिएंटेशन ऑफ जेड एक्सिस है तो पी जेड है। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी अब यहाँ क्योंकि डी का शेप कैसा होगा, डबल डंबल, ठीक है। तो पांच ग्राफ में बना देता हूं बेटा, ठीक है। अगर ये एक्स है और ये वाई है, ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे, इस टाइप के ओरिएंटेशन को हम बोलते हैं डी एक्स वाई। क्या बोलते हैं हम इसको, डी एक्स वाई बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप अगर मान लो ये वाई है और ये जेड है, तो इस टाइप के ओरिएंटेशन को हम बोलते हैं डी वाई जेड, ठीक है। और अगर ये z है और ये x है तो इस टाइप के ओरिएंटेशन को हम बोलते हैं डी जेड एक्स, ठीक है। और अगर एक्स वाई ही है, एक्स वाई है तो अगर और डायरेक्ट किसके ऊपर है, एक्सेस के ऊपर लाई कर रहा है, अगर किसके ऊपर लाई कर रहा है, एक्सेस एक्स एक्स या वाई एक्सेस पे लाई कर रहा है तो हम इसको बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर। और अगर मान लो जेड है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनेगा चीजें, चीजें थोड़ा समझना, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा रहेगा और ये एक ऐसा रहेगा, ये अच्छा नहीं बनाया मैंने, कुछ ऐसा रहेगा, दो लोब्स रहेंगे और इनके बीच में क्या रहता है ना बेटा, एक सर्कल रहता है, सर्कल नहीं बोल सकते, ये एक रिंग रहता है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये जेड है तो ये रिंग कहां रहेगा, ये रिंग एक्स वाई प्लेन में रहेगा, मतलब कुछ इस तरीके से ये रिंग बना रहता है बेटा, समझने की कोशिश करना कैसा रिंग रहता है, इस तरीके से ये रिंग रहता है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, इस प्लेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मिलता है आपको। तो ये रिंग इस तरीके से रहता है, ऊपर दो नीचे क्या रहते हैं, लोब्स रहता है, और ये जो रिंग रहता है एक्स वाई प्लेन में रहता है, जेड प्लेन में। तो आपको थोड़ा ये आई होप से पॉइंट समझ में आने की कोशिश कर रहे होंगे आप थोड़ा बहुत, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ एल इक्वल टू थ्री पे, एल इक्वल टू थ्री पे तो एन की वैल्यू कहाँ से हो जाएगी, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, मतलब सेवन टाइप्स के आपको ओरिएंटेशन मिलेंगे। हालांकि इनके स्ट्रक्चर हमें पढ़ने नहीं है तो उतने मैं ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है। नाउ अब थोड़ी मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ पे अब क्या लेके जाने वाला हूँ, ठीक है। देखो अभी तक हमने जो पढ़ा था बेटा, ठीक है, मैं इनको मिटा नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं धीरे धीरे करके मिटाऊंगा, धीरे धीरे आपको समझाते रहूंगा इसमें, ठीक है। अभी तक हमने रेडियल फंक्शन के बारे में पढ़ा और उनके ग्राफ भी पढ़े थे, याद है आपको, जैसे इस तरीके से उसमें नोट्स निकालना भी मैंने सिखाया था।
अगर मैं बात करूं एंगुलर फंक्शन की, तो एंगुलर फंक्शन मेरा क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? एंगुलर फंक्शन थीटा और फाई का कॉम्बिनेशन को हम एंगुलर फंक्शन बोल देते हैं, याद है? तो ऐसा जब देखा गया, देखो मैं बहुत डिटेल में ही लेके जा रहा हूँ आपको, ताकि आपको रीजन समझ में आए कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इसको dxy बोला जा रहा है, क्यों इसको dyz बोलते हैं, क्यों इसको dx2 - 2। ये तो आप किसी भी किताब में पढ़ लोगे, ये सब दिया हुआ है, लेकिन रीजन दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? तब आप यहाँ पे समझना बात को कि अगर 1s के लिए एंगुलर फंक्शन सॉल्व किया गया तो ये कुछ इस तरीके से कॉन्स्टेंट वैल्यू आई थी। क्या था? एक कॉन्स्टेंट वैल्यू मिली थी, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू आई थी अप्रोक्सीमेटली 1/4π 3/2। इसलिए एस ऑर्बिटल में कोई, मतलब आपने गौर किया होगा, एस ऑर्बिटल में ओरिएंटेशन एक ही था, ठीक है? इसलिए कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ठीक है? अब भाई बाबा, एस ऑर्बिटल में कभी भी एंगुलर नोड नहीं होते, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। तो जब कॉन्स्टेंट है तो काहे का नोड, कुछ ना कुछ वैल्यू आपको हमेशा जरूर मिलेगी। आप एंगुलर नोड आप याद करें, रेडियल नोड कैसे निकालते थे? जिस जगह पे एक्स एक्सिस में आर रखते थे और जिस पॉइंट पे आर की वैल्यू 0 होती थी, तो वो मेरे लिए रेडियल नोड होता होगा। आपने प्रीवियस क्लास को अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश करो थोड़ा बहुत, तो ये बात हुई। अगर मैं बात करूँ बेटा 2px की, किसकी बात करूँ? 2px की। तो 2px को अप्रोक्स अब याद करो, 2p और ये एक्स, याद है आपको मैंने प्रीवियस में आपको x की वैल्यू क्या बताई थी? याद करिए, हमने x को चेंज किया था पोलर कोऑर्डिनेट में, तो आपको वैल्यू किस फॉर्म में मिली थी? z मेरा था r cos थीटा, x मेरा था sin थीटा cos phi, वेरी गुड, sin थीटा cos phi 3/4π का पावर 3/2। देखो ये कांस्टेंट है, मुझे तो मतलब किससे? थीटा और फाई से। मुझे मतलब किससे है? थीटा और फाई से। तो याद करिए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था मेरा, तो ये थीटा था, ठीक है? ये जेड था, ये एक्स था और ये वाई था। तो इसका ऐसे किया था हमने, ठीक है? और ये फाई था, तो ये इस तरीके से था और ये इस तरीके से था। अब किस, अगर मैंने मतलब आपको क्या करना है, आपको एंगुलर नोड निकालना है। एंगुलर नोड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ ऐसा पॉइंट करना पड़ेगा ताकि 2px की वैल्यू मेरी क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर मान लो sin थीटा मैंने 0 कर दिया, तो अगेन ये z एक्सिस में चला जाएगा, और cos phi मैंने क्या कर दिया, cos phi मैंने 90 डिग्री कर दिया, तो 90 डिग्री कर दिया, तो ये एंगल कुछ इस तरीके से चला जाएगा। मतलब ये प्लेन yz प्लेन पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। आप ऐसे देख भी सकते हो भैया, ओरिएंटेशन तो आपका इस यहां पे है x एक्सिस में। अगर मैंने ऐसा तोड़ा, ये प्लेन, ये x एक्सिस है मेरा, ये प्लेन मेरा क्या है, x एक्सिस, और अगर मैं ऐसा तोड़ता हूं बीच में, तो ये मेरा कैसा होगा, yz प्लेन होगा ये। मतलब इस प्लेन में आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर नोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगुलर नोड। कैसे मिला? देखो थीटा 0 किया तो ये प्लेन इधर खसक गया, cos 90, ये phi 90 किया तो ये इस तरह के इधर, तो ये पूरा प्लेन हो गया आपके लिए। ये देखो मैं ये कर रहा हूं, तो ये प्लेन हो गया आपके लिए। तो जब ये प्लेन हुआ, तो इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन थीटा पे भी ये पूरा वैल्यू 0, phi 90 cos 90 पे भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मतलब ये प्लेन आपके लिए क्या हो जाएगा, ये वो प्लेन है जहां पे कोई भी नोड, सॉरी, जहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो जब एंगल की वजह से कोई नोड मिलता है, तो उसको हम एंगुलर नोड कहते हैं। देखो मैं चाहता हूं मैं आपको डायरेक्ट बोल देता कि देखो ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसलिए इसका नाम पीएक्स पड़ा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ आपको पीएस रीजन में, एक्स रीजन में ही मिल रहा है, लेकिन आप वाई जेड में काटोगे इसको तो यहाँ पे ये नहीं मिलेंगे। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो यहाँ तक मैं दब कर देता हूँ, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो मैं लिख देता हूँ वेयर, अच्छा ये ड्रॉ कर ही देता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आते रहे। ये आर, ये फाई, ये थीटा, ठीक है? तो मैं लिख देता हूँ व्हेनेवर, व्हेनेवर
फंक्शन एंगुलर फंक्शन जीरो होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, तो दैट इज नथिंग बट इक्वल टू एंगुलर नोड। क्या बोलते हैं हम इसको, एंगुलर नोड या नोडल प्लेन भी बोलते हैं बेटा, इसको याद रखना, दोनों नाम एक ही है। ये प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, याद करिए प्लेन को। अब ये वाई है, वाई है तो टू पी वाई का मेरा कैसा इक्वेशन बनेगा, टू पी वाई का वाई वाई मेरा किसको रिप्रेजेंट करता था, वेरी गुड, साइन फाई कॉस फाई, साइन फाई सॉरी साइन फाई साइन थीटा, साइन थीटा साइन फाई, याद है, थ्री बाय फोर फाई का पावर थ्री बाय टू। अगर मुझे मतलब तो थीटा और फाई से, तो ये भी जीरो हो जाए और फाई भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो तो ये इधर आ जाएगा, ये भी जीरो तो इधर आ जाएगा, मतलब ये कौन सा प्लेन होगा, एक्सजेड, एक्सजेड तो ऑब्वियस से बात है एक्सजेड प्लेन कैसा रहेगा मेरा, ऐसा रहेगा प्लेन, ये प्लेन कैसा, सॉरी ये वाई है ना, इसको उल्टा कर देता हूँ, माय मिस्टेक, ये वाई है ठीक है, तो ये प्लेन कैसा रहेगा, एक्सजेड प्लेन मेरा ये वाला रहेगा, सॉरी आप प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा, एक्सजेड प्लेन कैसा रहेगा, कुछ ऐसा प्लेन रहेगा तो यहाँ पे आपको एंगुलर नोड नहीं मिलेंगे, तो आप समझ में आ रहे, इसलिए इसको पी वाई बोला गया, आप समझ में आए इसको क्यों पी वाई बोला जा रहा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आपको उसी रीजन में ही मिल रहा है, अगर आप ऐसे जाओगे तो आपको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, और ये क्योंकि ये कैसा एक प्लेन आपको दिख रहा है, तो जिस प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा वो नोडल प्लेन होता है, आई बस समझे सबको ठीक है। टू पी जेड, टू पी जेड में याद करिए, जेड में मेरा सिर्फ क्या आता था, कॉस थीटा आता था, क्या आता था, कॉस थीटा आता था, अब समझो बात को, क्योंकि z क्या रिप्रेजेंट करता था उसमें, आपको याद होगा जब यहाँ पे मैंने वैल्यू कराई थी, तो x का मैंने एक वैल्यू लिखा था, y का वैल्यू, z का वैल्यू, तो z सिर्फ मेरा cos phi आ रहा था, मतलब यहाँ पे phi है ही नहीं, इसका मतलब phi is independent of m, phi is independent of f, क्योंकि phi किस पर रिप्रेजेंट करता था, याद है अभी स्टार्टिंग के क्लास में ही मैंने आपको बताया था, r की वैल्यू डिपेंड करती है n और l पे, ठीक है, थीटा की वैल्यू एल और एम पे डिपेंड करती है, फाई की वैल्यू सिर्फ एम पे डिपेंड करती है, जब फाई मेरा इंडिपेंडेंट हो गया, यहाँ पे फाई मेरा क्या हो चुका है, इंडिपेंडेंट हो चुका है एम, इसलिए इसलिए पी जेड को हमेशा हम एम इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी जेड एक्सिस आएगा ना, चाहे डी जेड में आया, तो हमेशा एम इक्वल टू जीरो को रिप्रेजेंट करता है, क्यों, यहाँ पे है ही नहीं वो, इसलिए वो पी जेड लिखा जाता है, आई बात समझ में, कभी भी पी जेड को आप हमेशा किससे रिप्रेजेंट करोगे, M से रिप्रेजेंट करो, तो आई होप से यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगे, ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, नाउ अब ये मेरा खत्म, 2px 2py खत्म, ये एंगुलर फंक्शन खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूँ dxy, dxy की बात करो, dxy x की वैल्यू क्या थी मेरी, sin theta sin phi, y की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू मेरी सही आई थिंक cos theta cos phi थी मेरी, हाँ cos phi, ये क्या हो जाएगा sin theta sin phi, तो देखो ये xy क्यों नाम दिए गए, क्योंकि ये फंक्शन भी इसी फेज में मिल रहा था, ये जो फंक्शन मुझे मिला एंगुलर फंक्शन वो मुझे इसी फेज में मिला, साइन थीटा प्लस कोई कांस्टेंट होगा व्हाटएवर, मतलब तो मुझे इन चीजों से आई बात समझ में, ठीक है, नाउ अब यहाँ पे देखो आपको किस प्लेन में एंगुलर नोड मिल रहा है, किस प्लेन में आपको एंगुलर नोड मिलेगा, अगर साइन थीटा मैंने क्या किया, ये तो जेड है, ये एक्स है और ये वाई है, तो आप यहां से समझने की कोशिश करो कि अगर मैंने ये प्लेन लिया, अगर मैंने ये प्लेन लिया तो आप ये प्लेन कौन सा हो जाएगा मेरा, z एक्सिस, तो साइन थीटा भी जीरो हो जाए, थीटा जीरो हो जाए, थीटा क्या हो जाए जीरो हो जाए, और फाई मेरा 90 डिग्री हो जाए, हाँ फाई मेरा 90 डिग्री हो जाए तो मेरा काम बन सकता है, ये है ना, थीटा फाई 90 और जीरो दोनों में काम बन जाएगा, थीटा मेरा जीरो हो जाए और phi 90 डिग्री या 0 डिग्री, तो ये जो प्लेन होगा या तो आप इसको ऐसे काटो या तो आप इसको ऐसे काटो, तो दोनों रेंज में आपको ये प्लेन नहीं मिलने वाला, तो sin अब देखो थीटा 0 मतलब z, sin phi 90 मतलब ये, तो ये प्लेन हो जाएगा, थीटा 0 मतलब ये, और फॉर phi
जीरो, तो ये, तो एक ये प्लेन और एक ये प्लेन, इलेक्ट्रॉन आपको सिर्फ ये रीजन में बताओ, ये दो प्लेन आपके लिए कैसे बिहेव करेंगे, ये दो प्लेन आपके लिए जैसे बिहेव करेंगे नोडल प्लेन के जैसे। तो आप अगर आपको डिफिकल्ट लगता था आप ऐसे, तो कैसे कट करूं ताकि मेरे इलेक्ट्रॉन लाइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये रीजन में, अगर मैं ऐसे कट करूं और ऐसे कट करूंगा तो दो प्लेन मिलेंगे, तो यहाँ पे दो एंगुलर नोड होते हैं। क्या होते हैं आपके पास, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड, नंबर ऑफ एंगुलर नोड इक्वल टू, तो दो एंगुलर नोड होते हैं डीएक्स वाई पे, वैसे ही इसके पास भी दो होंगे, वैसे ही इसके पास भी दो होंगे, ठीक है। अब डीएक्स वाई है तो इसके पास कौन सा, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, दो एंगुलर नोड हो गए, मतलब एक्स एक्स सॉरी एक्स जेड और वाई जेड दो प्लेन होंगे जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, तो वही आपके लिए एंगुलर नोड हो जाएगा। तो इन इन जनरल मैं बोल सकता हूं, इन जनरल नंबर ऑफ रेडियल नोड, ये फॉर्मूला याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एन माइनस एल माइनस वन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। एंड नंबर ऑफ एंगुलर नोड, नंबर ऑफ एंगुलर नोड आपके लिए क्या हो जाएगा, एल, एल के डी के लिए एल के वैल्यू टू होती है, इसलिए एंगुलर नोड भी कितने होंगे, दो ही होंगे। अब समझ में आया, क्लियर हुआ। देखो 3s में कितने एंगुलर नोड आ रहे, रेडियल नोड कितने थे, दो आ रहे थे, दो, इसका मतलब क्या होगा रेडियल नोड के लिए, एन 3s के लिए n के वैल्यू 3, s के लिए l की वैल्यू 0 और माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2, इसलिए 3s में देखो दो बार, तीन बार पहाड़ी आता, तो दो बार टच किया था वो इस तरीके से। अब s के लिए एंगुलर नोड हमेशा 0, कभी भी s ऑर्बिटल में एंगुलर नोड नहीं होता, इसलिए उसका ओरिएंटेशन आप चाहे कैसे भी कराओ स्फीयर ही रहता हो, लेकिन ऑर्बिटल डबल्ड ऑर्बिटल में क्या होते हैं, थोड़े चांसेस होते हैं एंगुलर नोड फॉर्मेशन होने के। तो यहां तक आपको बात सब क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से नोड बना के, वेरी वेरी, ये जो नोट है ना बेटा, ये मैं एसएस नोट लिख लो, शिवम स्वामी नोट, या आप किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ये मेरा ऑब्जर्वेशन किए हुए है, ठीक है। मैं आपको बहुत सारे एसएस टेक्निक भी दूंगा, बट ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में आई डोंट वांट टू रिवील माय टेक्निक्स, तो ठीक है। तो कुछ मैं आपको यहां पे दे दे रहा हूं, ठीक है। तो समझिए बात को, पहला नंबर ऑफ पीक्स, नंबर ऑफ पीक्स इन 4 पाई आर स्क्वायर आर, 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस आर, ठीक है। तो ये जो डायग्राम होगा इसमें नंबर ऑफ पीक कितने होंगे, कैसे निकालेंगे, ये हम निकाल सकते हैं एन माइनस एल से, नंबर ऑफ पीक्स, ठीक है। तो ये तक आपको बात समझ, ये कौन सा रिप्रेजेंट करता, प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करता, प्रोबेबिलिटी वर्सेस रियल नोड में नंबर ऑफ पीक्स कितने होंगे, एन माइनस एल। तो अगर मैं 2s की बात करूं तो 2 में n क्या हुआ, 2s में n की वैल्यू 2, s की वैल्यू 0, तो इसमें आप आपको याद होगा दो पीक आए होंगे एकदम ऐसे, याद है, याद है, तो दो पीक आपको मिले ऐसे। तो उस तरीके से दो पीक्स आप 3s में कितने होंगे, 3s में n की वैल्यू 3, s की वैल्यू 0, तो 3 माइनस 0 3, तो तीन पीक आपको ऐसे 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 मिलेंगे। तो ये आपको आइडिया लग गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एन, इफ एल, इफ एल इंक्रीजेस, इफ एल इंक्रीजेस आर मैक्स डिक्रीजेस। देखो इसके ऊपर एक बार आईआईटी का क्वेश्चन आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर पे आए हुए, मुझे याद नहीं है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एन, इफ एल इंक्रीजेस आर मैक्स डिक्रीजेस, जैसे 3s 3p 3d, n की वैल्यू सेम है, l की वैल्यू बढ़ रही है, l की वैल्यू बढ़ रही है, तो आपको ग्राफ याद होगा आर मैक्स क्या होता है, घट जाता है, आर मैक्स क्या होता है, घट जाता है। ये ग्राफ कुछ ऐसे था, ये छोटा ग्राफ कर देता हूं मैं, सॉरी इसको टच करते हुए निकल रहा था।
देखो ये हो जाएगा आरमैक्स। आरमैक्स मतलब पीक पॉइंट से न्यूक्लियस के डिस्टेंस की जो दूरी को ही हम आरमैक्स बोलते हैं। जहां पे आपको क्या मिलेगा आरमैक्स, आपको मैंने बताया 0.5291s के लिए याद है, जहां पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहती है, ठीक है। और इसी ये इसी पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, 4πr² वर्सेस r की बात कर रहा हूं, ठीक है मैं। और अगर 3p की बात करूं मैं, 3p की, तो अगेन यहां पे ये इस तरीके से होगा। 3d की अगर बात करूं मैं, 3d की, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये मेरा आरमैक्स, तो आप देख सकते हो जैसे जैसे l की वैल्यू बढ़ते जा रही है। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, है अच्छा नोट है कि इस वाले ग्राफ में प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये मेरा डेंसिटी नहीं है, दिस इज ओनली प्रोबेबिलिटी वर्सेस r, मतलब डिस्टेंस। उसमें अगर आप जैसे जैसे मेरा l की वैल्यू बढ़ते जाती है, r मैक्सिमम की वैल्यू मेरी क्या होती जाती है, घटते जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मेरा, ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर द सेम एल एज एन इंक्रीजेस आर मैक्स ऑल्सो इंक्रीजेस, आर मैक्स ऑल्सो इंक्रीजेस। तो इस पॉइंट को याद रखना, जब ए सेम वैल्यू एल के लिए, मान लो जैसे 1s, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ 1s के लिए ऐसा ग्राफ रहेगा, 2s के लिए ग्राफ कैसा रहेगा, ठीक है। लेकिन 3s के लिए ग्राफ कैसा रहेगा, तो देखो आरएमएक्स क्या हो रहा है, आपको धीरे धीरे बढ़ रहा है। आरएमएक्स क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए यहीं पे 0.529 लाया था ना, इसी पॉइंट पे मेरा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है। तो ओवरऑल ये मेरा बेटा क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट था। कल इस क्वांटम नंबर को मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। अभी अभी हम अपना चौथा क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। तीन क्वांटम नंबर हमने कंप्लीट कर लिए, डोंट वरी, ठीक है। फोर्थ क्वांटम नंबर हम अच्छे से देखेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर, सबसे पहली बात आपको याद होगा, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ बोलोगे सर आपने तो तीन ही क्वांटम नंबर बोले थे, एन एल एम, ये हाइपोथेटिकल है। एक्चुअली साइंटिस्ट का अपना माना हुआ है, ये कोई एक्सपेरिमेंटल रिजल्टेड क्वांटिटी मतलब क्वांटम नंबर नहीं है। तो बेसिकली दे हैव नो क्लासिकल एनालॉग मीनिंग, इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ, इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ, इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। बस ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट represent the probability, it represent the probability of spin of electron, ठीक है। they have no classical analog मीनिंग, दे हैव नो क्लासिकल एनालॉग मीनिंग, ठीक है। आई बात समझ में, जैसे अगर ये इलेक्ट्रॉन है घूम रहा है, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है टोटल। तो दोनों का हाफ हाफ डिवाइड कर दिया मैंने, दोनों का हाफ हाफ डिवाइड किया, भैया एक सिक्का आप उछालोगे या तो हेड्स आ गया तो टेल आएगा। तो
या तो क्लॉकवाइज घुमा तो भी हाफ, एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो भी हाफ। तो लेट क्लॉकवाइज को हमेशा याद रखना, क्लॉकवाइज को हमेशा प्लस हाफ माना जाता है, उसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा माइनस हाफ माना जाता है। अब एन आपके पास चार क्वांटम नंबर है, एन एल एम और एस, ये चार क्वांटम नंबर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, समझिए बात को। एन क्या रिप्रेजेंट करता है जनरल भाषा में, कंट्री स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कंट्री डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में आपने स्क्रॉल कर दिया, ठीक है। अब आप डिस्ट्रिक्ट के बाद कहाँ जाओगे, सिटी में, कि भैया सिटी और कॉलोनी कौन सा आपका है। सिटी और कॉलोनी आपको पता चल गया एल से, ठीक है। एम से आपको क्या पता चलेगा, आपका हाउस नंबर और आप किस कमरे में रहते हो, वो आपको किससे पता चलेगा, एम से। एस से क्या पता चलेगा, आप ऐसे सोते हैं कैसे सोते हो, मतलब एक दस मजाक की बात बोल रहा हूँ। तो एस से मुझे बाकी सब चीजें इंफॉर्मेशन पता चलेगा, कैंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। हालांकि ये कोई रिजल्टेड एक्सपेरिमेंटल नहीं था, ये अपना साइंटिस्ट का अपना माना हुआ था, ये एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें होती है, एक होता है स्पिन, इसमें एक फॉर्मूला है, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बस याद रखिएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लिखते हैं अंडर रूट ऑफ एस ऑफ एस प्लस वन, एस ऑफ एस प्लस वन एच अपॉन 2 पाई, एस ऑफ एस प्लस वन एच अपॉन 2 पाई, जहां पे एस की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आपको हाफ कंसिडर करनी है, ठीक है। नाउ सेकेंड आपका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट में क्या होगा भैया, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट में आपको फॉर्मूला तो वही है, एस इंटू एस प्लस वन बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है, बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू हो जाती है आपकी ई एच, राइट, हाँ ई एच अपॉन 2 पाई एम सी, ई एच अपॉन, याद रखना ये बोर मैग्नेटॉन, इट इज ट्वाइस ऑफ दैट बोर मैग्नेटॉन, तो समझ में ही रहा होगा, ठीक है। तो दिस इज ओवरऑल योर क्वांटम नंबर्स कैसे आया। अब आखिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हालांकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको फर्स्ट मतलब बेसिक्स कंसेप्ट में पढ़ा दिएगा, बट डोंट वरी, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा, और कल हम 3-4 क्वेश्चन इनके ऊपर बेस्ड करेंगे ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए टॉपिक्स, ठीक है। आई होप सो मैंने यहाँ तक आप थोड़ा, आई थिंक ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है प्लीज़ यू कैन आस्क बाई विदाउट एनी हेजिटेशन, आप मुझे कभी भी मैसेज पूछ कर सकते हैं, आप पूछ सकते हो मेरे को डाउट कि सर ये डाउट नहीं आ रहा है, वो डाउट नहीं आ रहा, ठीक है। सो टिल नाउ थैंक यू वेरी मच, ओके।